हापुड़ जनपद की खबरों का डिजिटल प्लेटफॉर्म ई हापुड़ न्यूज की तृतीय वर्षगांठ पर वक्ताओं ने अतिथि पद से बोलते हुए कहा कि ई हापुड़ न्यूज ने जनपद भर की खबरों को एक प्लेटफॉर्म पर एकत्र कर उन्हें जनता, शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य कर एक श्रेष्ठ कार्य किया है। अब एक क्लिक पर ई हापुड़ न्यूज के माध्यम से जनपद की समस्त खबरें उपलब्ध हो जाती हैं। समारोह की अध्यक्षता श्री बालाजी मंदिर हापुड़ के पीठाधीश्वर श्री यशवर्धन आचार्य जी महाराज ने की। समारोह का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। समारोह के मुख्य अतिथि सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिला पंचायत बदायूं की भूतपूर्व चेयरमैन पूनम यादव, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा, यूपी सिख मिशन हापुड़ के प्रभारी सरदार ब्रजपाल सिंह, समाज सेविका अलका नीम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील त्यागी ने कहा कि डिजिटल पत्रकारिता ने अखबार की दुनिया में एक बदलाव लाकर तहलका मचा दिया। समाज के सभी वर्गों की खबरें निष्पक्षता के साथ ई हापुड़ न्यूज दे रहा है। पत्रकार जातीयता का जहर घोलने वाली खबरों से बचें और क्षेत्र की समस्याओं का उठाकर उनके निराकरण हेतु सकारात्मक खबरें दें। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं बालाजी महाराज की पूर्ण कृपा उन पर बनी रहे, जिससे वे उन्नति की एक ऊंचाइयों को छुएं तथा हमारे बाबू के गौरव को भी एक अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर जाए, जिससे हमारे शहर का एक उत्तर प्रदेश में अच्छे स्तर का नाम हो। हमें मुझे बड़ी खुशी है कि पुलकित अग्रवाल जी जैसे एक नए युवा वर्ग पत्रकार जो कि अपनी एक उच्च स्तर की जॉब को छोड़कर आज अपने पिता के उस पदचिन्हों पर चल रहे हैं तथा शहर को उस ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं जो कि आजकल के बच्चों को सीखना चाहिए कि आज हम उस मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब को छोड़कर आज अपने माता पिता के चिन्हों पर चलकर उनका नाम रोशन कर रहे हैं तथा उन्होंने ई हापुड़ न्यूज पर ऐसा ऐसा संघर्ष किया है कि उन्होंने आज जब त्रय वर्ष का किया, हम चाहेंगे कि वह जल्दी से जल्दी ई हापुड़ उत्तर प्रदेश की त्रय वर्ष का बनाए और हर्ष पूर्वक हमें उसमें सम्मानित तौर पर सबको बुलाएं। मैं आशा करता हूँ कि हमारे सत्प्रकाश संबंधी वरिष्ठ पत्रकार हमारे पूजनीय हैं तथा और अगली बार जिस प्रकार से पत्रकार महोदय जी ने सभी संगोष्ठी बुलाई है, अगली बार उत्तर प्रदेश की हापुड़ उत्तर प्रदेश की संगोष्ठी बुलाकर सभी को इसी प्रकार भेंट पूर्वक आपस में सबको संबोधन करें और मैं बालाजी महाराज की तरफ से और मंदिर की तरफ से सभी को खूब आशीर्वाद देता हूँ। हापुड़ न्यूज के मुख्य कार्यकारी निदेशक और उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार सतप्रकाश सीमन ने संस्थान के उद्देश्यों और भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला और कहा कि वह सकारात्मक खबरों पर विश्वास करते हैं। समारोह में अतिथियों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विभूतियों डॉक्टर दिनेश खत्री, थाना प्रभारी दलीप बिस्ट, संजय पांडे, प्रतिभा त्यागी, उद्यमी अशोक छारिया, नंदकिशोर खादवाले, व्यापारी नेता विजेंद्र पंसारी, अमित शर्मा टोनी, एडवोकेट पवन गुर्जर, डॉक्टर मुकेश सैनी, बीना वर्मा, पत्रकार अशोक तोमर, अमित कुमार, संजय कश्यप को पटका, माला और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में समाज सेवी नरेंद्र कुमार अग्रवाल ATMS, विजेंद्र कुमार गर्ग लोहे वाले, वैश्य महिला सेवा समिति की जिलाध्यक्ष अर्चना कंसल, डॉक्टर पुष्पा गर्ग, स्टेशन अधीक्षक अजब सिंह, राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रेणु देवी, व्यापारी लक्ष्मण मैदावाले सहित बड़ी तादाद में गणमान्य लोग उपस्थित थे।